हेलो भाइयों, मैं हूं तुषार गौतम। और भाई, आज हमारे पास न्यूली लॉन्च मारुति सुजुकी की बलेनो 2022। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हमें क्या कुछ ऑफ़र करती है। काफ़ी टाइम बाद मारुति ने इसके अंदर एक अपडेट दिया है, जो कि एक तरीके से आप इसको फेसलिफ्ट कह सकते हैं। न्यू जनरेशन नहीं, लेकिन इसके अंदर फर्स्ट इन द सेगमेंट काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं, जिससे कॉम्पिटिशन भाई बिल्कुल किल हो गया है। जैसे कि आपको इसके अंदर 360 कैमरा मिल जाता है, हेड्स अप डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि से अपर सेगमेंट की कार्स में आता है, जैसे कि किया सेल्टोस में। और हैचबैक में इसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है मारुति के द्वारा। इस कार में हमें जो है टोटली 4 वेरिएंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इसमें डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे हमें ये एक्चुअली प्राइस के हिसाब से क्या क्या फीचर्स हमें ये प्रोवाइड करती है, और भाई ये जस्टिफिकेशन है या नहीं प्राइस के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं। और इसका फ्रंट लुक की अगर हम बात करेंगे तो आपको इसकी जो हेडलाइट्स है वो कुछ ऐसी मिलती हैं भाई, जो कि टोटली आपको चेंज इसके अंदर कर दी गई हैं। यहाँ पर आपको इस तरीके से DRLs मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी एग्रेसिव लुक आता है। और यहाँ पर प्रोजेक्टर मिलता है, साथ के साथ यहाँ पर आपको क्रोम की लाइनिंग दी गई है, जो कि यहाँ पर ऐसे अटैच होती है, जो काफ़ी देखने के अंदर काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो दिया गया है। नीचे की साइड आपको फोग लैंप मिलते हैं, लेकिन इस बार ये आपको LED मिलते हैं। इसकी साइड लुक की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो कि भाई काफ़ी अच्छे हैं। पहले भी इसके अंदर अच्छे आते थे, और इस बार भी आपको ऐसे डुअल फिनिश के अंदर ये अलॉय व्हील्स मिलते हैं। जिसकी प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो 195/55 R16 इंचेस के आपको इसके अंदर अलॉयज दिए गए हैं। और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 170 mm की मिलती है, जो कि भाई हैचबैक के हिसाब से डिसेंट है। बाकी अगर आप अल्ट्रोज वगैरह की देखते हो तो उसमें 165 आती है, जो उसके हिसाब से आपको ये ठीक मिल जाती है। इसके अगर डोर हैंडल्स देखोगे तो आपको वो क्रोम के अंदर मिलते हैं, और रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। और पीछे की लुक की साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको चेंज मिलता है इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पर ये एक्सटेंड कर दी गई है यहाँ तक, और इसका डिज़ाइन भी आपको कुछ चेंज मिलता है। लेकिन ये भाई ग्लो नहीं करती है, तो वैसे डम्मी के टाइप में यहाँ पर लगाई गई है। यहाँ पर बलेनो लिखा गया है। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर भाई क्रोम मिलता है। बूट की बात करें तो भाई ऐसा कुछ इसका हमें बूट मिलता है, जिसके अंदर आपको काफ़ी डीप स्टोरेज मिल जाता है। और इसकी अगर कैपेसिटी की बात करते हैं तो 317 लीटर्स का आपको ये बूट स्पेस मिलता है, जिसके अंदर आप अपने 2 बड़े बैग और 2 छोटे बैग आसानी से इसके अंदर रख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं आएगी। यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे मिलती है, और यहाँ पर आप देखेंगे रिवर्स आपको कैमरा मिलता है, 360 इसके अंदर आता है। और यहाँ पर रियर वाइपर, और यहाँ पर हाई स्टॉप लैंप भी दिया गया है। और अगर आप साइड से देखोगे तो इसके अंदर छोटा सा स्पॉइलर भी आपको मिलता है, लेकिन भाई इसके अंदर आपको कोई भी शार्क फिन एंटीना नहीं दिया गया है। भाई 10.5 लाख रुपये की इसकी प्राइस है, लेकिन उस कंपनी ने यहाँ पर कॉस्ट कटिंग कर दी है। अगर वो होता तो काफ़ी अच्छा रहता। और ऐसी कुछ इसकी साइड लुक आती है। यहाँ पर फ्यूल टैंक मिलता है आपको। अब चलते हैं भाई इस गाड़ी के अंदर और करते हैं इंटीरियर की बात। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, जिससे कि आप इसको अनलॉक करके गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। ऑल ब्लैक आपको इसके अंदर इंटीरियर दिया गया है। लेकिन इसके डोर की बात करें तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल इसके अंदर मिलता है। अगर आप इसको यहाँ पर टच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ किया गया है। यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है। ऑटो फोल्डेबल ORVMs आते हैं इसके अंदर। डोर अनलॉक यहाँ से लॉक और अनलॉक आप मैन्युअली कर सकते हैं। और ऑटो फोल्डेबल इसके अंदर ORVMs आते हैं, और पावर विंडोज़ आती हैं। नीचे की साइड की बात करोगे तो यहाँ पर बोतल होल्डर मिल जाता है, और छोटा मोटा स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ पर
नेक्सा लिखा गया आप देख सकते हैं, जो कि एक प्रीमियम टच देता है कार को। अब चलते हैं भाई अंदर बैठकर और आपको दिखाते हैं इसके अंदर हमें क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं। तो भाई ऐसा कुछ इसका आपको कैबिन मिलता है। और अब करते हैं इस गाड़ी को एक बार स्टार्ट, इग्निशन करते हैं ऑन। और भाई जो एक जबरदस्त चीज लगती है ना वो ये है भाई इस कार की, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा रहा है हेलो स्पीड, और यहाँ पर आप स्पीड वगैरह देख सकते हैं, जो कि भाई काफ़ी प्रीमियम लगता है देखने के अंदर। और जैसे ही आप कार को ऑन करते हैं तो ऐसे 360 एक बार ये रोटेट करती है ताकि आप कार को देख सकें, आपके कार के चारों तरफ कुछ है या नहीं। और इंजन की आप एक बार साउंड सुनो, बिल्कुल भी आपको साउंड नहीं आएगी, काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड इंजन है इसके अंदर, वही इंजन आता है। चलो इंजन की बात हम थोड़ा बाद में करेंगे, थोड़ा फीचर्स की बात करते हैं अब। जैसे स्टेयरिंग की बात करें तो आपको यहाँ पर जो है लेदर रैप स्टेयरिंग मिलता है, और इस साइड आपको वॉल्यूम के कंट्रोल्स मिलते हैं, इस साइड में आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलता है जो कि हाईवे पर काफ़ी यूज़फुल रहता है। यहाँ पर आपको फ़ोन कॉल पिक और काटने के लिए मिल जाते हैं। इसके मीटर की बात करें तो आपको यहाँ पर छोटी सी एक MID मिलती है सेंटर के अंदर, और यहाँ पर डिजिटल मिलती है ये, और यहाँ पर आपको एनालॉग दिए गए हैं साइड में दो, और यहाँ से स्टिक से आप इसको टॉगल कर सकते हैं, टॉर्क पावर एक्सेलरेशन। और अभी तक भाई बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है, 308 किलोमीटर ये चली है। और माइलेज देखो भाई, ये अभी अभी थोड़ी बहुत चली थी सिटी के अंदर, तो आपको ऐसा कुछ इसके अंदर माइलेज मिल रही है भाई 14.8 की, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा हाईवे पे चलाओगे तो 18-19 KMPL की माइलेज ये भाई आसानी से दे देती है, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं आती है। वैसे कंपनी तो क्लेम करती है 22 की, लेकिन इतनी तो नहीं मिल पाती इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर जो है ये MID है, और MID का जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर शो होती है। और अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप इससे यहाँ पर जैसे आप अपने एंगल से इसको ठीक करना चाहते हैं, पोजीशनिंग इसकी सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से उसको कर सकते हैं ऊपर नीचे। और इसकी ब्राइटनेस वगैरह भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं जितनी भी आपको ठीक लगे अपने अनुसार। और 360 कैमरा अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो व्यू आ जाएगा वहाँ पर, और ऑटोमेटिक वो ऑन ऑफ जो होता है उसका यहाँ पर बटन मिलता है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर दिया गया है। मेन जो आपको इसके अंदर एक और चेंज देखने के लिए मिलेगा वो है भाई इसका ये टच स्क्रीन। इसके अंदर मैसिव 9 इंच का आपको ये टच स्क्रीन मिल जाता है इंफोटेनमेंट, और ये मैंने नोटिस किया कि काफी फ्लूइड कर दिया गया भाई पहले से, तो भर भर के आपको इसके अंदर फीचर मिलते हैं। कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो आपको एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों की कनेक्टिविटी इसके अंदर मिल जाती है, और पियानो ब्लैक फिनिश इसके सराउंड में है, तो काफी ब्रॉड भी लगता है देखने के अंदर और लुक भी इसकी अच्छी आती है। नीचे की साइड की अगर बात करोगे तो यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश मिलती है, और यहाँ पर भी क्रोम का आपको छोटा मोटा यूज़ देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर हैजार्ड बटन मिलता है। नीचे की साइड आपको यहाँ पर AC के कंट्रोल मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक AC इसके अंदर आपको मिलता है, और नीचे की साइड आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, और यहाँ पर एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, फ़ोन रखने के लिए स्पेस मिलता है, दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं। इसके अंदर सेम वही 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आता है। इंजन और गेयर बॉक्स में आपको कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं मिलता है, आपको सब कुछ सेम मिलता है, लेकिन कॉस्मेटिक और फीचर्स में काफ़ी चेंज मिलता है। अब यहाँ पर आर्मरेस्ट दे दिया गया है, इसके अंदर छोटा मोटा आप स्टोरेज मिल जाता है, रख सकते हैं कुछ अपनी की वगैरह, हैंड ब्रेक यहाँ पर है। और इसके ग्लो बॉक्स की बात करें तो आपको डिसेंट स्पेस के साथ मिल जाता है। और एक और चेंज ये है कि इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक डे और नाइट का ORVM मिल जाता है, जो कि एक अच्छा फीचर है, एड ऑन है। यहाँ पर आपको ये मिरर मिल जाता है,
लाइट के साथ। ड्राइवर साइड भी आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पर लाइट आपको नहीं दी गई है। यहाँ पर आपको ग्रैब करने के लिए हैंडल्स मिल जाते हैं, यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टच मिलता है। ओवरऑल जो कैबिन है भाई, वो काफ़ी पहले से काफ़ी प्रीमियम कर दिया गया है। और अब एक बार पीछे चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ ये हमें स्पेस ऑफर करती है और फीचर्स भी क्या क्या हमें मिलते हैं इसके अंदर। तो चलो भाई पीछे चलते हैं। तो भाई वो फ्रंट सीट मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली है, तो आप देख सकते हैं भाई स्पेस इसके अंदर काफ़ी अच्छा मिलता है। अगर आप अल्ट्रोज़ की बात करते हो तो उसके अंदर कहीं ना कहीं स्पेस के अंदर पीछे की साइड जो है थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर स्पेस का इशू आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर देखोगे तो इसके अंदर रियर एसी वेंट्स आ गए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और नीचे की साइड आपको जो है दो सॉकेट मिलते हैं, एक तो यूएसबी टाइप सी का मिलता है, जो कि भाई एप्पल फ़ोन वालों के लिए एकदम से अवतार है। और इस साइड में आपको एक यूएसबी नॉर्मल चार्जर के लिए मिल जाता है। पीछे की साइड भी डोर पे आपको ये सॉफ्ट फैब्रिक मिलता है, यहाँ पर भी क्रोम दिया गया है। बोतल होल्डर मिल जाता है और यहाँ पर आपको ये लाइट मिलती है रूफ पे। पीछे की साइड पार्सल ट्रे दी गई है। हेडरेस्ट की बात करें तो आपको यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं भाई, टो वेरिएंट है तो यही सब एक्सपेक्ट भी करेंगे। पीछे की साइड भी आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, लेकिन जो मिडल है वहाँ पर कोई भी आपको हेडरेस्ट नहीं मिलता है, ना ही आर्म रेस्ट इसके अंदर दिया गया है। तो पीछे की साइड से भी काफ़ी कंफर्टेबल आपको इसकी सीटिंग मिलती है। थाई सपोर्ट भी आपको सही मिलता है इसके अंदर, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। तो भाई ऐसा कुछ इसका व्यू आता है। मारुति के इंजन की बात करें बलेनो की, तो इसके अंदर कोई भी आपको चेंज नहीं मिलता, इसके अंदर वही 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि भाई प्रोड्यूस करता है 89 BHP की पावर और 113 Nm का टॉर्क। और इसके अंदर आपको कोई भी चेंज नहीं मिलता है, वही मारुति का जो है पहले जो इंजन आता था वही स्विफ्ट में आता है इनके इंजन। तो काफ़ी रिफाइंड इंजन है भाई, और माइलेज की बात करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छी है देता है, इसी वजह से तो भाई मारुति बिकती है ज़्यादा। और इसके सेफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो भाई ये तो चर्चा का विषय हमेशा रहता है। मारुति का कहना है कि भाई हमने पहले से जो इसके अंदर मटेरियल यूज़ होता है और उसमें हमने काफ़ी अच्छा इसके अंदर मटेरियल यूज़ किया है, और कहीं ना कहीं इसका जो वेट है वो कंपनी कहती है कि 50 से 70 किलो के आसपास जो है वो बड़ा है। बाकी इसका इसके अंदर अगर सेफ्टी की फ़ीचर्स की बात करें तो वही आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, और वही स्टैंडर्ड जो होते हैं ABS, EBD वगैरह सब कुछ इसके अंदर आपको दिया गया है। बाकी अभी क्रैश टेस्ट इसका नहीं हुआ है, देखते हैं भाई क्या ये स्कोर करती है जब इसका ग्लोबल एनकैप में जब कोई टेस्ट होगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। Tell me that you love me.